हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्टूडेंट पे स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 इयर्स। अभी तक मैंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और हजारों बच्चों को आईआईटी एंड डॉक्टर बनाया है। अगली बारी आपकी है। हम लोग अभी रेडॉक्स पढ़ रहे हैं और रेडॉक्स से मैंने आपको एक एप्लीकेशन बताया रेडॉक्स का। डेफिनेटली हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना, तो उसका एप्लीकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किस लिए आप पढ़ रहे हो, क्या यूज है उसका। जो चीज़ पढ़ रहा है उसका अगर यूज कम होता है तो डेफिनेटली वो लेस सिग्निफिकेंट हो जाता है, लेस उपयोगी हो जाता है। तो रेडॉक्स का कितना यूज है, रेडॉक्स का बहुत ज़्यादा यूज है बच्चों। इनफैक्ट यू नो, हमें लगता है शायद जीवन कोई ऐसा हिस्सा हो जो रेडॉक्स छुड़ गया हो। हम खाना खाते हैं ना, तो उसका भी ऑक्सीडेशन होता है, तब हमको एनर्जी मिलती है। ये सब छोटी छोटी बातें हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था। तो रेडॉक्स का यहाँ पे एक दूसरा यूज है बच्चों, जो आप सभी लोग यूज़ करते हो, मोबाइल यूज़ करते हो ना, मोबाइल रेडॉक्स नहीं है यार, वैसे वो भी बहुत सेंस में है। बैटरी, बैटरी क्या है, रेडॉक्स से बनती है, रेडॉक्स रिएक्शन का उसमें एप्लीकेशन है। या ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये कैसे फंक्शन होता है, क्या उसका बेसिक प्रॉपर्टीज है, चलिए उस पर बात करते हैं। और इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। सो बच्चों, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी होता क्या चीज़ है बच्चों, पोटेंशियल शब्द तो हम लोग आजकल कोई भी यूज करता है यार, मतलब इनमें कॉमन टर्म यूज हो गया है, कॉमन भाषा हो गया है। क्या तुम्हारी पोटेंशियल नहीं है ये करने की, या तुम्हारी है, मतलब तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी कैपेबिलिटी नहीं है, तुम्हारी क्षमता नहीं है, यू नो। तो पोटेंशियल मीन्स कर जाने की कैपेबिलिटी। सो ऐसे ही बच्चों यहाँ पर भी ऑक्सीडाइज या रिड्यूस कर जाने की पोटेंशियल की क्षमता है ना। तो इस शब्द को समझाने के पहले मैं आपको बताऊँ कि जैसे मान लो ये कोई लेवल है बच्चों, बराबर इक्वल लेवल है ये, है ना, इससे इक्वल लेवल है ओके। यहाँ पर दो हैं, दो लोग खड़े हैं, ए और बी कोई दो चीज़ें हैं। अगर यहाँ बच्चों हम पानी रखें, वाटर, ए के पास पानी रखें, तो क्या अपने आप ये फ्लो करके बी के पास चला जाएगा, तो बल्कि मैं कहूँ कि ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं। इस बात को समझाने के लिए मुझे एक तीसरा लेवल बनाना पड़ेगा, वो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। अगर मैं बी को वहाँ से यहाँ खींच के ले आऊँ, ये कहें आप पोटेंशियल, अगर मैं बी को यहाँ ले आऊँ बच्चों, बी को यहाँ, अगर मैं ए के पास पानी रखूँ, कुछ भी रखूँ, तो वो अपने आप फ्लो करके बी के पास चला आएगा, यस नो। देखो ये ए और बी सेम लेवल पे हैं, सेम पोटेंशियल पे हैं, यस नो। बट यहाँ पे बी नीचे है बच्चों, तो अगर ए के पास हम पानी रखेंगे तो फ्लो करके बी के पास अपने आप आ जाएगा। तुम कहेंगे ये जो ए है ये हाई पोटेंशियल पे है, हाई पोटेंशियल पे है, और बी क्या है बच्चों, बिल्कुल सही, लो पोटेंशियल पे है। और तो मतलब ए से बी क्या है बच्चों, इट्स अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मीन्स क्या होता है बच्चों, स्लोप। तो हम ये कहते हैं कि कोई चीज जो फ्लो होता है, जो बहता है, वो अलोंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, मतलब हाई से लो की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। मतलब ये दोनों अगर सेम पोटेंशियल पे होंगे तो ए से बी की तरफ फ्लो नहीं होगा, और उल्टा जो करना होता बच्चों ना, ये अपने से नहीं होता। उल्टा तो हम उल्टा बी से ए भेज सकते हैं क्या पानी को, बिल्कुल, लेकिन भेज नहीं सकते, इसको पंप करना पड़ेगा। तो पंप करना पड़ा मतलब इस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये स्पॉन्टेनियस नहीं हुआ, ये खुद से नहीं होगा ना बच्चों, इसको हमें करना, इट्स नॉन स्पॉन्टेनियस। बी से ए पानी, कई बार खेतों में नहर में पानी होता है और जमीन का जो हम फार्मिंग किए, खेती किए जाते हैं, उसका लेवल ऊपर होता है, तो पंपिंग मशीन ला के नीचे से पानी ऊपर हम लोग फेंकते हैं, यस नो, तो उसमें एनर्जी खर्च करते हैं। तो हम बी से ए अगर पानी देना हुआ तो इट्स नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब इसके डेल्टा जी की वैल्यू जीरो से ज़्यादा होगा। और ए से बी आना हुआ तो ये तो अपने से होगा बच्चों, इट्स ए स्पॉन्टेनियस, ये अपने से क्यों होगा, और इसके डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन जीरो, ये अपने से क्यों होगा, क्योंकि अलोंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ये फ्लो के अलोंग आ रहा है। तो पोटेंशियल शब्द तो बहुत ही यूजफुल हुआ,
हर चीज़ जिस भी क्षमता में है वहाँ ज़्यादा से कम की तरफ आना चाहता है। यस नो, जैसे कि मैं पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ आपसे कि मुझे आपके घर जाना होगा, तो आपको अपने घर का आइडिया मुझसे ज़्यादा है, मुझे नहीं पता। तो आपका पोटेंशियल क्या हो बच्चों? हाई। मेरा पोटेंशियल क्या हो? कम। मैं आपसे पूछूंगा, केमिस्ट्री पढ़ना है तो शायद मुझे आपसे ज़्यादा आता हो तो आप मुझसे पढ़ रहे हैं, है ना। मुझे क्रिकेट सीखना होगा तो आई विल जस्ट गो टू विराट कोहली इफ़ आई कैन, वो मुझे सिखा सकते हैं। बट केमिस्ट्री सीखना होगा तो ही विल कम टू मी बिकॉज आई नो बेटर देन हिम। सो यू नो अलॉन्ग द पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो भी चीज़ जिसके पास ज़्यादा, जो भी चीज़ जिसके पास ज़्यादा है से कम की तरफ फ्लो होने की टेंडेंसी होती है। इट इज़ अलॉन्ग द पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल मतलब कैपेबिलिटी, लाइक यू नो। नाउ लेट्स डिस्कस हियर वेरी स्पेसिफिकली, यहाँ बात करते हैं बच्चों, यहाँ इस बात को समझते हैं हम लोग। सपोज बच्चों कोई मेटल एम हुआ, वो अपने एक्स प्लस एक्स स्टेट में है इन लिक्विड फेज, और वो एक्स इलेक्ट्रॉन लेकर के मेटल सॉलिड बना। तो मेटल एक्स की एक्स इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, खींचने की कैपेसिटी है, ये क्या है? लेट्स डू अंडरस्टैंड, लेट्स रिकॉल, याद करो आप। मैंने कहा था जो जो किसी का ऑक्सीडेशन कराता है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसका क्या होता है? रिडक्शन। यहाँ आप देखो ये प्लस एक्स से जीरो हुआ, इसका खुद क्या हुआ बच्चों? रिडक्शन। ये कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो M प्लस जो है बच्चों, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, ऐसे खींच लेता है। तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, यू नो टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन, वाओ, टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। खींच ले रहा है इलेक्ट्रॉन को, वो खुद जो खींचेगा उसे खुद क्या होगा? रिडक्शन। और दूसरे क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। सो बच्चों ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, यहाँ पे अगर कोई मेटल इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, राइट, तो ये अपना रिडक्शन होना, दूसरे क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। अब ये कितना है ना, वो थोड़ा और अच्छे से बात करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों? चार्ज पार्टिकल। वो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, चार्ज पार्टिकल के मूव से क्या होता है? करंट पैदा होगा। अब करंट कहाँ पैदा होता है? अलोंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट याद है आपको ना, कि हायर से लोअर की तरफ। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है बिकॉज इट कैन, खींच सकता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, विराट कोहली मुझे क्रिकेट सिखा दे रहे हैं बिकॉज ही कैन, ही हैज़ द पोटेंशियल टू डू सो। सिमिलरली एम प्लस एक्स इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है, सो टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन। अब वैसे ही अगर ये यू नो इसका ऑक्सीडेशन होता तो इलेक्ट्रॉन निकालता, तो पुश इलेक्ट्रॉन एज वेल, टेंडेंसी टू पुल और पुश इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स इज मेजर्ड, टेंडेंसी टू पुल और पुश इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। इसको बच्चों हम लोग वोल्टेज के टर्म्स में मेजर करते हैं, वोल्टेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके बच्चों, आप देखो मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन को धक्का देने या खींचने की टेंडेंसी है, ठीक है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। नाउ अभी ये दो तरह का हो सकता है बच्चों, ऑक्सीडेशन का रिडक्शन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मैं बात करता हूँ कॉपर प्लस टू एक्वस, ये मैं डेटा यूज कर रहा हूँ जो कि मुझे पता है, तो इसके हेल्प से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन लेता है बच्चों तो ये कॉपर सॉलिड बनाता है, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है बच्चों क्या हो रहा है? ये रिड्यूज हो रहा है। तो जो होगा, मैंने कहा ना कि विराट कोहली का पोटेंशियल क्रिकेट खिलाने का है, क्रिकेट सिखाने का है, केमिस्ट्री नहीं। तो एक व्यक्ति का पोटेंशियल जिसमें ज़्यादा होगा उसी का पोटेंशियल दूसरे में क्या होगा? वी कुडंट से। यहाँ पर वैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपस में डिपेंडेंट है, तो वी कैन से, लेट्स हाउ, देखते हैं कैसे बच्चों। तो ये क्या हो रहा है? इसका रिडक्शन हो रहा है, तो इसको ऐसे लिखते हैं ई रिडक्शन, या हम आर को नीचे लिख लेते हैं। रिडक्शन हो रहा है किसका? कॉपर प्लस टू से, या फिर इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो बच्चों, ई, ई मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई मतलब
ई मतलब ई एम एफ, ई एम एफ को हम लोग शॉर्ट में ई लिखते हैं। ई एम एफ मतलब, ई एम एफ मतलब बच्चों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, ये ई, ई मतलब इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। बच्चों ये नाम से लग रहा है कि इट्स अ फोर्स, बट ये फोर्स नहीं है। इसका यूनिट किस में होता है हम जानते हैं, वोल्टेज में होता है। इसको फोर्स क्यों बोलते हैं आप यूँ समझिए, आपको मैंने पढ़ाया और कई बार होता है, मैंने कहा ना कि टीचर महान नहीं होता, इसको बच्चे उसका महान बनाते हैं। आपको मेरी बात समझ में आई, आपको मेरी पढ़ाई समझ में आई, आपने मुझे फॉलो किया, क्वेश्चंस ट्राई किए और सब कुछ किया। तो आपके घर वालों को, कई बार मुझे पेरेंट्स और गार्जियन बोलते हैं ऐसा कि सर मेरे बच्चे को आप समझा दीजिए, ये करता है, वो आपकी बात सुनता है, आप बोल देंगे तो वो अच्छा करेगा। मुझे बहुत सुन के अच्छा लगता है कि मुझे फॉलो करता है वो। यू नो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं तो यहाँ पर हूँ, मैंने आपको फिजिकली धक्का नहीं दिया, आई हैवंट पुश और पुल यू, बट मैंने जो भी किया आपके साथ, जो भी एक्टिविटीज़ किया, जो भी पोटेंशियल क्रिएट किया, जो भी ऑरा बनाया, उसकी वजह से आप घर पे मोटिवेटेड हुए, काम कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इट्स लुक लाइक यू नो इफेक्ट ऑफ द फोर्स। तो बच्चों यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ऐसा लगता है कोई उनको धक्का दे रहा है। तो कौन धक्का दे रहा है? ये पोटेंशियल, ये वोल्टेज, इसको इसलिए हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। बट ध्यान रखिएगा ये फोर्स नहीं है बल्कि ये वोल्टेज है, इसका यूनिट वोल्टेज में आएगा। क्लियर बच्चों? इसको शॉर्ट में हम ई लिखते हैं, ई आर मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ई आर कॉपर प्लस टू से कॉपर बनना है। देखिए कॉपर प्लस टू से क्या बनना है? कॉपर। और इसकी वैल्यू 0.34 वोल्ट है। ओके, मतलब कॉपर की रिडक्शन। अब यहीं पे देखो, मैं अगर लिखता हूँ बच्चों ई आर, या मैं ऐसा लिखूँ ई जिंक प्लस टू से जिंक बन रहा है, इसका पोटेंशियल लिखा मैंने -0.76 वोल्ट। इसका मतलब देखो ध्यान से बच्चों, आपको समझ में, जिसका जिस चीज़ का पोटेंशियल ज़्यादा, किसी बच्चे ने एग्जाम दिया उसका मान लो मैथ्स में नंबर बहुत ज़्यादा आए, उसके एसएसटी में नंबर कम आए, इसका मतलब यह है कि बच्चे को एसएसटी में इंटरेस्ट नहीं है, वो नहीं करना चाहता, उसको मैथ्स में इंटरेस्ट है। या इसका उल्टा, अगर उसके एसएसटी में नंबर ज़्यादा आ रहे हैं और मैथ्स में नंबर कम आ रहे हैं, तो बच्चे को एसएसटी में इंटरेस्ट है। यस नो? तो बच्चों ये जो ये पोटेंशियल दिखा रहा है, जो वैल्यू है ना बच्चों, देखो यहाँ पर ये निगेटिव वैल्यू है जबकि ये पॉजिटिव वैल्यू, कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। तो मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब कॉपर रिड्यूज होना ज़्यादा चाहेगा इन कंपैरिजन टू जिंक, मतलब कॉपर खुद रिड्यूज होगा। यू नो कौन? कॉपर नहीं, कॉपर प्लस टू, इसका खुद रिडक्शन होगा और जिंक का क्या होगा बच्चों? ऑक्सीडेशन होगा। जिसका जो ज़्यादा होगा वो काम करेगा, है ना। जिसको मैथ्स में ज़्यादा स्कोर है उसको मैथ्स पढ़ने दो, उसमें अच्छा करेगा। इसको बायोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट हो बायोलॉजी पढ़ने दो, बायोलॉजी में अच्छा करेगा वो। तो बच्चों यहाँ कॉपर प्लस टू का रिडक्शन पोटेंशियल जिंक प्लस टू से ज़्यादा है, मतलब अगर कॉपर प्लस टू और जिंक प्लस टू एक सोल्यूशन में लिया जाए और दोनों को रिड्यूज होने के लिए इलेक्ट्रॉन भेजा जाए तो रिडक्शन किसका होगा? बिल्कुल सही, कॉपर प्लस टू का होगा। ठीक है बच्चों, लेट्स सी। तो बेस्ड ऑन एबव डिसीजन, अभी मैंने जो चर्चा किया इसे आपको मालूम चल गया होगा, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप के होते हैं। पहला रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, और दूसरा हुआ बच्चों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आपको एक बात तो और समझ में आ गई होगी कि जिसका जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वो काम करना चाहता है। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो खुद ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, खुद दूसरों का क्या करेगा? रिडक्शन। कैसा एजेंट हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसमें बच्चों अगर कोई मेटल लिक्विड किसी भी स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन लेता है और एम बनता है जो भी, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल हुआ। कैसा पोटेंशियल हुआ? रिडक्शन पोटेंशियल। इसको ऐसे डिफाइन करते हैं बच्चों कि हमने कोई कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, सेल मतलब चेंबर, इस हम लोग रिएक्शन करने जा रहे हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये हम ऐसा लेते हैं कि ये खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व न हो जाए। ठीक है बच्चों,
और हम लोग मेटल का हम लोग जैसे जिंक की बात करूं बच्चों, तो मैंने यहाँ पे जिंक की रॉड ले ली, ओके, मैंने ये जिंक की रॉड ले ली और जो मेटल लिया उसी का हम यहाँ सॉल्यूशन ले लेते हैं बच्चों, जो हमने मेटल लिया हम उसी का सॉल्यूशन लेते हैं, ओके, उसी के आयन का। तो हमने यहाँ पे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया, जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया, ओके बच्चों। अब ये जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में अब इसका जो पोटेंशियल होगा है ना, उसको हम लोग मेजर करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल की बात करता हूँ बच्चों, तो अगर यहाँ पर जिंक प्लस टू कहाँ से आया, इस सॉल्यूशन से आया बच्चों, हमने यहाँ पे जिंक प्लस टू एसओ फोर माइनस टू दिया है। आप सोच रहे हो कि ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे। तो जिंक प्लस टू ये सॉल्यूशन में है एक्वस फेज में, अगर ये इलेक्ट्रॉन ले करके जिंक सॉलिड बनता है जो कि यहाँ डिपॉजिट होगा बच्चों, यहाँ पर ऐसे इसके ऊपर, ओके, अगर रिएक्शन होता है तो इसमें जितना पोटेंशियल इन्वॉल्व हो वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, ओके। तो हम बोलेंगे ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या बोलेंगे, ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। बच्चों अगर हम इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में लें, कैसी कंडीशन बच्चों, फिर से बोलता हूँ स्टैंडर्ड कंडीशन, अब एक नया वर्ड मैंने यूज़ किया आपके लिए, स्टैंडर्ड कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन जो पूरी दुनिया के द्वारा एक्सेप्ट किया गया हो, सब लोग उसको समझते हो और मानते हो। स्टैंडर्ड कंडीशन उसको लेते हैं बच्चों जिसमें जो हम इसमें लिए हैं सॉल्यूशन, हम लोग आयन्स लिए हैं, उनका कंसंट्रेशन हम 1 मोलर ले, ठीक है। और अगर हम कोई गैस लिए है बच्चों, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस शुड बी 1 bar। इसको 1 atm भी चूज कर सकते हैं, बट ये डिफाइन किया गया था 1 bar के लिए, 1 bar और 1 atm बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और टेम्परेचर बच्चों अगर हम लेते हैं 25 degree centigrade, या इसको हम कह सकते हैं 298 kelvin। तो अगर हम इस कंडीशन पे मेज़र करते हैं किसी का पोटेंशियल रिड्यूज होने की या ऑक्सीडाइज होने की, खुद रिड्यूज हो रहा है उसकी क्षमता या खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है उसकी क्षमता, तो इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। और इसको बच्चों ऐसे डिनोट करते हैं, ई लिखा इसके ऊपर ऐसे नॉट लगा दिया, जीरो लगा दिया, इट मीन्स स्टैंडर्ड। उसके लिखते मतलब कंसंट्रेशन 1 molar, प्रेशर थ्योरेटिकली 1 bar, बट यू कैन चूज 1 atm, बोथ आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, एंड टेम्परेचर इज 298 kelvin। यस, सो बच्चों जब हम ऐसे करते हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कब, जब जिंक प्लस टू का कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन में, जिंक प्लस टू का कंसंट्रेशन कितना होगा बच्चों 1 molar, और यू नो टेम्परेचर कितना होगा 298 kelvin। इस ई नॉट इसको निकाला गया बच्चों, इसकी वैल्यू आई -0.76 volt। मैं धीरे धीरे इसकी और बातें करूंगा आपसे, समझ में आया आपको। अच्छा एक बात और समझो बच्चों, जैसे इस चौक को मैं ऊपर से गिराया और सपोज यहाँ तक गिरने में 1 joule एनर्जी निकली, ऊपर एनर्जी ज़्यादा नीचे एनर्जी कम, ये हाई पोटेंशियल पे है लो पोटेंशियल पे है। अगर यहाँ से यहाँ आने में 1 joule एनर्जी निकल गई, तो नीचे से ऊपर ले जाने में उसको 1 joule एनर्जी देना पड़ेगा ना, यस नो, बात समझ आई मेरी आपको। अगर ऊपर से नीचे जाने में 1 joule एनर्जी निकल रही है, तो नीचे से ऊपर जाने में उतनी ही एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों, हमको बच्चों उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि अगर जिंक प्लस टू सॉल्यूशन में है, और कितना है बच्चों ये 1 molar, किस कंडीशन पे 298 kelvin पे, मैं ये लिख के बताना चाहता हूँ कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया बच्चों, ये बन गया जिंक सॉलिड। बताऊं मैं आपको, सभी सॉलिड का जो कंसंट्रेशन होता है ना, उसको हम एक्टिव मास बोलते हैं, उसको 1 लेते हैं, राइट, कितना मानते हैं उसको 1, सभी ऑल सॉलिड्स का, ओके। बच्चों ये हमने ऐसे लिखा, तो अगर इस रिएक्शन को मैं पलट दूं, मैं जिंक सॉलिड को अगर ऑक्सीडाइज करूं और जिंक प्लस टू एक्वस प्लस टू इलेक्ट्रॉन सेम कंडीशन में, बस रिएक्शन को पलट दूं, यहाँ इसका क्या हो रहा है बच्चों, इसका हो रहा था रिडक्शन, अभी इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन,
दीज आर रिडक्शन ऑक्सीडेशन पेयर। तो देखोगे ये अगर इसका हमने देखा था स्टैंडर्ड कंडीशन पे E नॉट, नॉट समझ गए ना आप, रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है इज इक्वल टू कितना, बिल्कुल सही, कितना बच्चों -0.76 वोल्ट। तो अभी इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, सेम चीज का ऊपर से नीचे गिरा तो एक जूल, तो नीचे से ऊपर जाने के लिए उसको एक जूल ही देना पड़ेगा। तो बच्चों ये इसका हो जाएगा E नॉट ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू जितना माइनस है उतना ही प्लस, प्लस 0.76 वोल्ट। मतलब उसमें जितना निकला है इसमें उतना देना पड़ेगा, या उसमें देना पड़ा है तो इसमें निकलेगा, क्योंकि दोनों एक से के उल्टा है। बात मेरी समझ आई बच्चों? तो हम कह सकते हैं फॉर कपल, फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन कपल, है ना, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये M प्लस X और M, ये है ना, सो E नॉट रिडक्शन या सिंपल E रिडक्शन इज इक्वल टू माइनस E ऑक्सीडेशन, या और E रिडक्शन प्लस E ऑक्सीडेशन विल बी इक्वल टू जीरो, 0.0 वोल्ट। इसको पॉइंट तक जाते हैं हम लोग, ओके, समझ में आया आपको मेरी बात। ये 0.0 वोल्ट क्यों लिखा मैंने, एक्यूरेसी दिखाने के लिए, प्रिसाइज, तो वट एवर वी हैव द डेटा वो उतने तक जाते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। बल्कि 0.00 मुझे लिखना चाहिए, 0. डेसिमल के टू प्लेसेस तक हम लोग कैलकुलेट करते हैं बच्चों, ओके। सो आपको समझ में आया आपको ये सब बातें, ई रिडक्शन ई ऑक्सीडेशन, है ना। अगर एक ही चीज़, अगर जैसे यही चौक ऊपर से नीचे गिरा और ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तो एक जूल अगर नीचे आने में एनर्जी निकल रही है तो नीचे से ऊपर जाने में एक जूल देना पड़ेगा, बट चौक सेम होना चाहिए। तो एक एक जो गलती बच्चों से होती है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो बच्चों से गलती होती है वो कहते हैं, मतलब ये हुआ कि ई नॉट या ई रिडक्शन ऑफ मेटल एम प्लस ई ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल एम विल बी इक्वल टू जीरो। ये स्टेटमेंट गलत है कि सही है बच्चों? ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली गलत है, क्योंकि एम और एम एक दूसरे के पेयर नहीं होते। बल्कि अगर मैं ऐसा कहूँ कि ई रिडक्शन ऑफ मेटल प्लस एक्स प्लस ई ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल एम विल बी इक्वल टू जीरो, ये सही है बच्चों। ये M प्लस एक्स और M पेयर है, ऐसे सवाल IIT में पूछा जा चुका है पहले और लोग गलत कर दिए हैं, वो चीज़ों को समझ नहीं पाए हैं, ठीक है ना। आपको ध्यान देना है, लोग समझते हुए भी कई बार एग्जामिनेशन में गलतियां कर देते हैं लोग, बट अगर दिमाग में चले जाए कि ये गलती होती है और हमें नहीं करना है, सो वो याद रहता आपको। वैसे बच्चों जैसे मैंने आपको रिडक्शन की बात की, वैसे ऑक्सीडेशन की बात है। ऑक्सीडेशन का जैसे मैं कहूँ, अगर सिल्वर की बात करूँ तो Ag, सिल्वर का अगर ऑक्सीडेशन हुआ, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ बच्चों इसका, ऑक्सीडेशन। और अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में लिखूं E स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तो नॉट लगा दिया, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन लिख दिया, या फिर मैं सीधे लिखूं E नॉट Ag से Ag प्लस, यहाँ पे कुछ भी, ये साफ साफ दिख रहा है कि Ag से Ag प्लस होना ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसकी जो भी वैल्यू दी हुई है बच्चों, प्लस x वोल्ट माइनस x वोल्ट जो भी है, अब इसको लिख लोगे, x वोल्ट जो भी है लिख लोगे, ठीक है। बात मेरी समझ आई क्या? वेरी नाइस। सो इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब समझ गए। जिसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी वो खुद ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी वो खुद रिड्यूज होना चाहेगा, वो उसके, अच्छा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा बच्चों वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, मतलब कैसा एजेंट होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब यार दिक्कत देखो ये है ना कि भाई कई बार क्या होता है ना कि जैसे मेरे यहाँ ये पेरेंट्स आते हैं एडमिशन कराने, अलग अलग गाँव के बच्चे आते हैं, तो कहते हैं सर मेरा बच्चा पूरे गाँव का टॉपर है, दैट्स वेरी नाइस, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। दूसरा बोलता है मेरा बच्चा पूरे गाँव का टॉपर है। नाउ अब उन दोनों में कौन तेज है? अब गांव का तो टॉपर अलग हो सकता है ना, बिकॉज गांव में तो अलग टाइप कंपटीशन है, बट हमारे देश में बहुत सारे गांव हैं,
तो लेकिन टेंथ का मान लो बोर्ड सारे बच्चे दे के आए हैं और सीबीएसई बोर्ड दे के आए हैं या सेम बोर्ड दे के आए हैं, तो बाई कंपेयरिंग देयर बोर्ड परसेंटेज वी कैन से कि ये बच्चा ज़्यादा अच्छा किया है। मान लो किसी कोई बच्चा टॉपर है अपने गांव का और उसका 86% है, दूसरा टॉपर है उसका 92% है, तो जिसका 92% है ऑब्वियसली वो 86 वाले उसने अच्छा किया है, यस नो। सो बाई हैविंग कॉमन प्लेटफॉर्म, हमारे पास एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए। सपोज करो टेंथ का बोर्ड एग्जाम ना हो, जैसे नाइन्थ का ही एग्जाम दे के बच्चे आए हैं, सो नाइन्थ में तो कंपैरिजन करना मुश्किल है बिकॉज स्कूल लेवल पे मार्क्स मिलते हैं, तो गुरुजी पट गए तो नंबर तो बढ़ गए यार फिर तो, सो हाउ कैन वी कंपेयर। सो यहाँ पर बच्चों हम लोग यहाँ पर जब बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं, जहाँ पे IUPAC एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाते हैं, तो यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए हम लोग कई रेफरेंस यूज़ करते हैं, रेफरेंस यू नो लाइक जैसे रेफरेंस मतलब टेंथ बोर्ड का एग्ज़ाम का मार्क्स क्या है बच्चों, रेफरेंस है। IIT का मार्क्स क्या है, रेफरेंस है। नीट का मार्क्स क्या है, रेफरेंस है। सो लाइक वाइज हियर हम लोग यहाँ पे कुछ रेफरेंस जिसको हम यूज़ करते हैं बेंच मार्क की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम कुछ रेफरेंस यूज़ करते हैं, उसके तुलना बात करते हैं कि मेरे बच्चे का नीट में जो है 123 रैंक है, दूसरा अगर मेरे बच्चे की नीट में जो है 748 रैंक है, तो इसलिए 123 वाले का रैंक क्या हुआ, अच्छा हुआ। वो दोनों अपने अपने जगह के टॉपर हैं, अपने अपने गांव अपने अपने शहर के टॉपर हैं, बट नाउ वी नो दैट 123 इज़ बेटर रैंक देन 748, यस नो। सो व्हाट आई वांट टू से इज दैट कि वी शुड हैव अ कॉमन प्लेटफॉर्म बाई विच वी कैन कंपेयर। सो फॉर दैट बच्चों IUPAC ने बनाया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, और इसके कंपैरिजन में हम सभी के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो शी क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये इट्स एन रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इट्स एन रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये इसका फुल फॉर्म क्या है बच्चों, स्टैंडर्ड समझते हैं ना आप लोग, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ओके स्टैंडर्ड समझते हैं ना आप लोग। इसमें हम लोग कंसंट्रेशन कितना लेंगे बच्चों, 1 मोलर, प्रेशर कितना लेते हैं 1 ATM, एंड टेम्परेचर कितना लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें बच्चों रिएक्शन क्या होता है कि H+ जो है कितना कंसंट्रेशन में 1 मोलर, H+ जो है वो इलेक्ट्रॉन लेता है, 2H+ सपोज करो 2 इलेक्ट्रॉन लिया और ये बन गया हाइड्रोजन गैस। यहाँ हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना होगा बच्चों, 1 ATM। H+ का कंसंट्रेशन कितना होगा 1 मोलर, टेम्परेचर कितना होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखो इसका क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन, इसका रिडक्शन पोटेंशियल IUPAC द्वारा, आप जानते हैं ना IUPAC को, है ना। IUPAC जब भी दुनिया में लड़ाई झगड़ा होती है केमिस्ट्री को लेकर के, कोई कहता है कि मेरी बात सुनो, कोई कहता है मेरी बात सुनो, तो सबको शांत करा के थप्पड़ मार के कहता नहीं सब लोग इस बात को मानेंगे, कॉमन कॉन्सेंस हो गया इसमें। तो IUPAC ने कहा बच्चों कि इसकी वैल्यू, इसके रिडक्शन पोटेंशियल को E0 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हम लोग मान लेंगे, असाइन किया वैल्यू 0.00 वोल्ट, इसको मान लिया गया असाइंड। अब इसके रेफरेंस में हम लोग सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, इसके रेफरेंस में जिसका जो आएगा हम लिखेंगे, बात मिल समझ आई क्या, वो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं समझाता हूँ आपको। अब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल इतना है, ये क्या लिखा बच्चों रिडक्शन का, अगर ऑक्सीडेशन का रिएक्शन में लिखूँ बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन का मैं क्या लिखूँगा, हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन हुआ 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन में, तो इसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना बच्चों, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका जीरो है तो इसका भी जीरो ही होगा, 0.00 वोल्ट। ये 0.00 में बार बार क्यों लिख रहा हूँ डेसिमल के 2 प्लेसेस तक, इसके लिए आप मेरा जो बच्चे नए ज्वाइन किए होंगे, एलवन स्पायर पे मोल कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया हुआ है, सिग्निफिकेंट फिगर कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, राउंड ऑफ कैसे करते हैं, प्रिसीजन क्या होता है, जस्ट गो एंड सी द वीडियो, ओके बच्चों ये हमारा हुआ। नाउ
इसको हम लोग रेफरेंस की तरह यूज करते हैं। इसके पहले भी हमने कई रेफरेंस बनाए थे बच्चों, इसके पहले हमने बनाया था यू नो कैलोमल इलेक्ट्रोड, कैलोमल इलेक्ट्रोड इसको भी हम रेफरेंस की तरह यूज करते हैं। इसके पहले बनाए थे हम लोग बच्चों सिल्वर सिल्वर आयन इलेक्ट्रोड, यू नो सिल्वर सिल्वर आयन इलेक्ट्रोड, इन सभी को हम लोग रेफरेंस की तरह यूज करते थे। बट नाउ आजकल कुछ स्पेशल फीचर्स की वजह से कुछ एडवांटेज, कुछ इनका लाभ है, इसलिए हम लोग शी को यूज करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मैं बताता हूँ कि डिजाइन कैसे करते हैं। आपको मैंने इसका रिएक्शन बता दिया, इसका पोटेंशियल बता दिया, अब इसको हम डिजाइन कैसे करते हैं। लेट्स सी बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यू नो हम लोग कैसे इसका रिएक्शन, इसका रिएक्शन प्लेटिनम के सरफेस पे होता है, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या किया, एक प्लेटिनम का यू नो ऐसे, अब इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पर एक प्लेटिनम का वायर है, उसके ऊपर प्लेटिनम का ही फॉयल है बच्चों, ये प्लेटिनम का फॉयल है, और उसके ऊपर हमने यस सी ये हमने कंटेनर लिया। इस कंटेनर में बच्चों हम लोग HCl घोल देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को हम पास करते हैं इसमें। ये प्लेटिनम का वायर है, मैं आपको जैसे प्लेटिनम वायर, एक्चुअली प्लेटिनम के सरफेस पर ये रिएक्शन होता है बच्चों, ये इट्स अ प्लेटिनम फॉयल, फॉयल यू नो शीट होती है प्लेटिनम, प्लेटिनम की पतली शीट, प्लेटिनम फॉयल कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। प्लेटिनम ब्लैक इसलिए विच कैटलाइज द रिएक्शन, कैटलाइज द रिएक्शन, है ना। और इसमें जो है बच्चों, ये समझते हैं ना आपको, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ये, इट्स एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल चैम्बर, इट्स अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल मतलब चैम्बर। और इसमें लोग लिए क्या है बच्चों, HCl लिए हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन में HCl कितना लेते हैं हम लोग, 1 मोलर, यू नो टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, हाइड्रोजन गैस एट यू नो प्रेशर पी नॉट इज यू नो 1 bar एग्जैक्टली होता है, बट यू नो वी कैन टेक इट एज 1 atm, वी कैन अप्रोक्सीमेट इट, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना था बच्चों, 0.0 volt। ये हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज करते हैं। नाउ द बिग क्वेश्चन इज दैट वाई वी नीड दिस, व्हाट्स द यूज, हाउ वी यूज दिस, ओके। नाउ लेट्स सी बच्चों, आपको तो पता ही है कि जब भी हम रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं, रिडॉक्स रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है ना। तो मान लो कोई मेटल है बच्चों, बहुत ध्यान समझना, मान लो कोई मेटल जिंक के, सपोज करो जिंक की बात करता हूँ मैं, अगर मैं जिंक का कोई जिंक का सेल लूँ, राइट ओके, मुझे पता करना है जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है। तो जिंक का या तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या तो रिडक्शन हो रहा होगा, और किसी के तुलना में हो रहा होगा ना, तो जिसके तुलना में होता है ना वो हम इसको यूज़ करते हैं। अगर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो बगल वाले क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। अगर जिंक का रिडक्शन हो रहा होगा तो बगल वाले क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। नाउ द बिग क्वेश्चन इज दैट कि हम मतलब हाउ वी नो कि क्या हो रहा है जिंक का, इट ऑल डिपेंड्स, ये सब कुछ डिपेंड करता है जिंक की औकात के ऊपर। जिंक की औकात जिससे जुड़ा है उससे रिडक्शन करने की है या ऑक्सीडेशन करने की है, और ये सब कुछ मालूम चल जाएगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो से। ये सब डिटेल में चर्चा करेंगे बच्चों। मैं आपको इससे भी बता रहा हूँ, अगर मैंने जिंक का यहाँ रॉड लिया, उसको किस सॉल्यूशन में, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन मिलाया, और बगल हमने क्या लिया बच्चों, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड,
याद है ना आपको? ये हमारा हुआ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये कॉपर वायर और ये प्लैटिनम, ठीक है। स्टैंडर्ड, ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और ये हमारा वो बच्चों जिंक, जिंक इसमें क्या है बच्चों, जिंक सल्फेट। इन दोनों को हमने अब कंबाइन किया, जिसकी बातें डिटेल में मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, आज थोड़ा लंबा हो जाएगा, ओके, बट फिर भी थोड़ा आइडिया देता हूँ। अगर इनको हम कंबाइन करते हैं बच्चों, कैसे करते हैं वो मैं फिर बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। कंबाइन करते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिया है, HCl का सोल्यूशन, ओके, कंबाइन करते हैं, और यहाँ हम पोटेंशियल मेजर करते हैं बच्चों, वोल्टेज, ओके, यहाँ मेजर करते हैं। ध्यान समझना, अगर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रही होगी, बन रहा होगा जिंक प्लस टू इलेक्ट्रॉन। अब इसे क्या हो रहा है, इट ऑल डिपेंड्स किससे कनेक्ट किया गया है, ओके, तो ये हमारा पोटेंशियल मेजर कर लेंगे बच्चों, ऐसे इन दोनों का, ठीक है। इस पोटेंशियल को मेजर करेंगे और इसकी वैल्यू हमने आर्बिट्रेरी हमने असाइन किया है, मान लिया है कितना, 0.00 वोल्ट। सपोज करो अब इस यहाँ जो वोल्ट हमने लगाया बच्चों, ये पोटेंशियल दिखाया, मान लो दिखाया एक्स वोल्ट दिखाया, ओके, ये जो भी वोल्ट दिखा रहा है, तो दिस विल बी सम ऑफ दिस एंड दिस, और इसका कितना होता है, जीरो। तो जो भी वैल्यू आई, किसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी, ओके। नाउ अभी भी ये क्वेश्चन अटका हुआ है कि हम कैसे जाने कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं आपको भी क्या समझा रहा हूं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बिना, भाई पेयर तो करना पड़ेगा ना, आप किसी का ऑक्सीडेशन निकाल रहे हो तो किसी न किसी का रिडक्शन हो रहा होगा, आप किसी का रिडक्शन निकाल रहे हो किसी न किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, यस नो, तो पेयर तो करना ही पड़ेगा। तो वो पेयर किससे करते हैं हम लोग, इसके साथ, और इसका कितना मान लिए हम लोग, 0.00 वोल्ट मान लिए, होता नहीं है, क्यों माने हैं, ऐसा करने से बाकी कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो गया, ठीक है। और यहाँ जो पोटेंशियल आएगा, दिस पोटेंशियल सर्टेनली विल बिलोंग्स टू जिंक, नॉट टू दिस। और इस तरह से हम लोग दुनिया के जितने भी एलिमेंट्स हैं बच्चों, सबका हमने पोटेंशियल अरेंज किया, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। नाउ नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम कैसे जाने कि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है, वो वैल्यू आए तो उससे हम कैसे उसको बेहतर समझ पाए, कैसे बैटरी डिजाइन करते हैं उसमें क्या दिक्कतें आती हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू। ऑन H2ON, स्टडी इज ऑलवेज ऑन, कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए H2ON पर बने रहिए।